अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तहमीना रहमान है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इस फील्ड में मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं। मैंने पढ़ाया भी है, मैं अभी इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS, PCOS, ये सब इसी के नाम हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारे यहाँ बच्चियाँ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। अगर इसमें लोग पूछते हैं क्यों होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिली में चलता है, लेकिन एक ही फैमिली की सब बहनों में नहीं होगा, जिनमें ट्रिगर्स होंगे उनमें होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रेस ट्रिगर है, वेट गेन ट्रिगर है, वेट गेन से PCOS ज़्यादा होता है और PCOS से वेट गेन ज़्यादा होता है। इसी में कुछ ये भी थियोरीज हैं कि कुछ शायद हमारी जो फूड चेन है उसमें कुछ डाइट्री डेफिशिएंसीज अब हो गई हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये माइक्रोप्लास्टिक्स और ये चीज़ें होंगी। सो जिस चीज़ का हमें एग्जैक्ट कॉज ना पता हो, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, उसको हम क्योर नहीं कर सकते, उसको मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं कर सकते, बट हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम शुरू तो हो गई है, पर उसके असरात को कम से कम किया जाए। PCOS में जो एक चीज़ होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब हम मैनेज करते हैं तो इसके तमाम इफ़ेक्ट्स बेहतर हो जाते हैं। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने को कुछ मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं, लेकिन जो एक सबसे मासूम और सिंपल दवा है, जो कि सप्लीमेंट्स के जोन में आती है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, इवन स्टेट्स वगैरह में जहाँ प्रिस्क्रिप्शन की लॉज सख्त है, वो मायोइनिसेट्रॉल है। ऑफ द काउंटर वहाँ भी मिलती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है और उसके वजह से वेट लूज़ करना आसान होता है। उसकी वजह से जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, नए बाल आना, फेशियल हेयर, सर के बाल गिरना, इवन जो फर्टिलिटी वगैरह के इश्यूज़ हैं वो बेहतर होते हैं। इसके आमतौर पे साशे ज़्यादा आते हैं, कुछ ब्रांड्स टैबलेट्स भी बनाते हैं, और साशे जैसे फोलीवेट साशे है, ये वंस अ डे रिकमेंडेड है। जिनको ज़्यादा हमें जल्दी इफ़ेक्ट्स चाहिए, हम टाइम्स ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर लेते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके लाइफस्टाइल, आपकी डिस्ट्रेसिंग, आपकी एक्सरसाइज, आपके जो डाइट के आप न्यूट्रिशन अपना सही पूरा करें विदाउट टेकिंग ऑन टू मेनी कैलोरीज। डाइट के बारे में जब लोग पूछते हैं कि एक सिंपल तरीका बताएं हम न्यूट्रिशनिस्ट के कैसे जाएं, तो मैंने कहती हूँ एक शुगर के मरीज़ की जो खुराक है ना वो लो, लेकिन वो भी थोड़ी मकदार में। सो आप जब बाकी सारी चेंजेस करते हैं, तो अगर आप एक सप्लीमेंट लाइक मायोनिसेट्रॉल साथ ले लेते हैं तो आपके सक्सेस ज़्यादा होती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। सो इफ़ आपको अगर ये बात समझ आ जाए कि मुझे अपने आप को लाइफ के हर एस्पेक्ट में चेंजेस लानी है और साथ आप सप्लीमेंट्स ऐड करें, तो यू विल डू बेटर। थैंक यू।